दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का एक दिवसीय बिल कलेक्शन मीटर रीडिंग विषयक प्रशिक्षण सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मीटर रीडिंग बिल कलेक्शन का कार्य दिया गया है, जो बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, जिसको देखते हुए उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया है। इस कार्य से उनकी अच्छी आमदनी होगी। सीडीओ ने कहा कि इस दौरान जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई हैं, जिसमें मीटर रीडिंग के समय उनको आई कार्ड उपलब्ध करवा दिया जाए, जिसके संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आई कार्ड उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे उनको गाँव में मीटर रीडिंग बिलिंग करते समय कोई समस्या न उत्पन्न होने पाए। सीडीओ ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत गाँव में ग्रेजुएट छात्रों को इस योजना का लाभ दिलाएं, जिससे कि गांव के बच्चे भी इस योजना से लाभान्वित हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, सीसीएस की है और दूसरी क्या है कि उसमें आपका सीडीएस एनडीए बारहवीं के बाद एनडीए में फॉर्मल हो जाता है ऑफिसर कैटेगरी में, और एक में जाते हैं आपके सीडीएस के बाद ही ऑफिसर्स में जाते हैं। मोटा मोटा उसकी क्या है, बारहवीं के बाद एमबीए वाला मतलब अगर उसको कंपटीशन करना है सरकारी नौकरी तक जुड़ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये आप लोग के बेनिफिट के लिए की जा रही है। इसी मंजिल पे एक लाइब्रेरी बनाई गई है जो सिर्फ कर्मचारियों के बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं जब तक ऑफिस चल रहा है, वहाँ भी कंपटीशन की किताबें रखी गई। ठीक है, समझ आ गया आपको। और दूसरा कोई आपका कोई और कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक हमारी सखी है तो बुलाऊं जरा, एक का उस दिन जब ये सीआरटी सर आए थे तो एक ने बताया था कि उनके पिताजी को कैंसर हो गया। आए कहा, अब सब लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छा हुआ ये बात होगी बीच में, सुनील जी को बुलाइए, उसमें आपके क्या हुआ स्टेटस बताइए, आपने मुझे बताया नहीं, अपडेट ही नहीं किया। वो एस्टिमेट पे हम लोग उसको यहाँ से प्रस्तुत करके करते हैं। सेकंड, इसमें मैं चाहूंगा कि स्वेच्छा से आज से एक सिस्टम बनाइए, हम लोग यहाँ पे अकाउंट खोल रहे हैं, स्वेच्छा से अगर आप कितने लोग हैं, हम लोग पूरा विकास बहुत बड़ा बड़ा परिवार है, अगर 10-10 रुपए भी लगाएंगे उसमें मिनिमम बोल रहा हूँ 50-50 रुपए डालेंगे मिनिमम सब लोग, तो बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन बन सकता है। ऐसे केसेस में हम लोग मदद कर, वो किसी के साथ और जो कंट्रोल करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के 4-5 लोगों की कमेटी बता देंगे, उसमें आप एप्लीकेशन देंगे, कैंसर पेशेंट है तो हम उसको मदद कर सकते हैं। ये कर सकते हैं हम लोग कि नहीं कर सकते, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ठीक है फिर मैं इसमें कर दूंगा, अकाउंट नंबर दे देंगे आप सीधा अकाउंट में, उसमें आप अपना डोनेट कर सकते हैं। करते हैं हम लोग ये डिजिटल, ठीक है, उनमें सबको जोड़ देंगे विकास भवन में, हमारे सफाई कर्मचारी बीमारी होगी उसमें से हम लोग देखें। दो चीजों के लिए मेरा मत है, क्योंकि जैसे अभी इनको सीएम ऑफिस जब पूरा कागजी कार्रवाई होते हुए फिर भी महीना 2 महीना लग सकता है, अब इनको चाहिए इमीडिएट रिलीफ, मतलब जल्दी चाहिए, तो उसमें भी हम लोग इस तरह से मदद कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार मुझे फिर जो है कल परसों में बताइए कि उस पर एस्टिमेट कहाँ पड़ा हुआ, क्यों नहीं आ रहा, फिर मैं उसको परस्यू करूँ। ठीक है, आप एक बार ऑफिस में मिलकर अगर जरूर बताइएगा इसमें क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। इन्होंने कहा कि मेरा आयुष्मान कार्ड भरा हुआ, लोगों ने कागज तो लोगों ने पता नहीं, तो प्लीज गलत कर दीजिए ना सर। आज की बैठक के संदर्भ में, हाँ आज जो बैठक है, जो हमारे ये समूह की महिलाएं हैं, इनको एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक जो बिल रीडिंग, बिल कलेक्शन और मीटर रीडिंग दोनों का काम दिया गया है,
और दोनों में बहुत अच्छा रिस्पांस समूह की महिलाओं ने दिया है और इनसे जो महिलाएं हैं इनकी जो आय है उसमें वृद्धि होगी। और इसकी ट्रेनिंग है कि आपने जो मीटर रीडिंग करनी है उसकी कैसे रीडिंग करनी है, और मेरे द्वारा उनकी समस्या भी सुनी गई है। जैसे उन्होंने बताया कि अगर हमें आई कार्ड मिल जाएगा तो फिर लोग हमें रिकॉग्नाइज करेंगे, तो जो हमने ऑर्डर कर दिया कि इनको सबको आई कार्ड दे दिया जाएगा, समूह का आई कार्ड। और ये भी अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा आने वाले दिनों में, जिससे इस स्कीम का प्रचार प्रसार कर सके ताकि जो हमारे नागरिक है वो अवेयर हो सके। और जो बिल रीडिंग का काम, जो बिल कलेक्शन और मीटर रीडिंग का काम है, इन महिलाओं को मिल सके। सर अभ्युदय योजना बारे में बताइए। अभ्युदय योजना का मैंने महिलाओं से इसलिए शेयर किया कि अगर इन लोगों के कोई बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं वो भी उस स्कीम से जुड़ के लाभ ले सके। अभ्युदय योजना में कैसे हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं, क्या हमारा स्ट्रक्चर है, वो सारा मैंने उनको बताया।